हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोनिका और स्वागत है आपका रमोना किचन में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए छोले बनाने की रेसिपी। हमने यहाँ पर छोले हैं वो रात को भिगो दिए थे। 7 से 8 घंटे हमें छोले को भिगो कर रखना है। अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए हमने छोलों में पानी डाल दिया है और 2 आलू भी छील कर डाल दिए हैं। छोले डिप हो जाए उतना ही पानी हमें डालना है और 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है और 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको आलू डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। कुकर का ढक्कन ढक के हमें इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी लगा लेनी है। देखिए हमारे छोले हैं वो बॉईल हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे छोले हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिए हैं। अच्छे से ऑयल गर्म होने के बाद में हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से तड़क गया है। अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे जिसमें हमने तेज़पत्ता, 1 लौंग और 1 इलायची डाल दी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हमने 2 कटे हुए प्याज लिए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्याज ही डाले हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और प्याज के सॉफ्ट होने के बाद में हम इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमारी जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें जो टमाटर की प्योरी बनाई है, इसमें हमने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन है वो इसमें पेस्ट बना लिया है और उसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसको अच्छे से ढककर पका लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद में हम इसको चेक करते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। ग्रेवी ने तेल भी रिलीज़ कर दिया है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक चुकी है और कलर भी कितना अच्छा आया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इसमें जो हमने बॉईल किए थे आलू वो इसमें डाल देंगे। आलू को अच्छे से मैश करके हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसको आलू को कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रेवी को थिक करने के लिए इसमें आलू मैश करके डाल दिए हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो बॉयल्ड छोले हैं वो डाल देंगे। छोले हमने पानी के साथ ही डाल दिए हैं। अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए या नहीं चाहिए तो आप सिर्फ छोले ही डाल सकते हैं और पानी का इस्तेमाल अपनी ग्रेवी को कम या ज़्यादा करने के लिए बाद में डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढक कर पका लेंगे जिससे कि छोलों में हमारी ग्रेवी के जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमने ये इसको पका लिया है और कितना अच्छा कलर आया है और हमारे छोले हैं वो गाढ़े भी हो चुके हैं, ये देखिए। और ठंडे होने के बाद में ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। 2 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है और 1/2 चम्मच हमने आमचूर पाउडर डालना है। अगर खटाई आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है और अच्छे से हम इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसको पराठे के साथ में, भटूरे या पूरी के साथ में भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। छोले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए हमने इसको सर्व भी कर दिया है और इतना अच्छा कलर आया है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से और बहुत ही कम मसालों में बनकर ये हमारी छोले की रेसिपी वो बनकर तैयार हो गई है। बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।